यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाड़ी भाई, ओ हो हो, वहाँ से भागती हुई भाई यहाँ आ गई थी गाड़ी। गाड़ी को करते हो पहाड़ी रास्तों में हैंड ब्रेक जरूर लगाओ, ये आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। दो नदियाँ एक साथ जैसे मिल रही हैं और यहीं से गंगा जी की शुरुआत होती है। ये लड़की रील बनाते हुए, और ये देखो इसको देखो, ए ओ भाई साहब ये क्या था। हम हर बारी भाई इधर आते हैं नहाने के लिए और इस साल भी हम फाइनली आ चुके हैं। देख सकते हो सनसेट होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है यार, ये सूरज देवता, ये देखिए। तो भाई के साथ थोड़ा सा छोटा सा सीन भी हो गया भाई, आपका फोन खराब हो गया है वो देखो। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 13 प्रो भाई भाई का पानी में जाके खराब हो गया। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। तो जी दोस्तों, अभी हम जैसे ऋषिकेश गुरुद्वारा साहब हैं और अभी हम हॉल के अंदर आराम कर रहे थे पूरी रात, और अभी हमने आराम कर लिया है और अभी हम जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी यहाँ से जाने वाले हैं गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब के लिए। लेकिन जो हमारे ग्रुप के बंदे ना वो थोड़े से लेजी हैं, तो शायद ही वो गोविंद घाट तक पहुँच पाएँ, लेकिन हम नगरासू या श्रीनगर तक आज पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं और आपको गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब जी के दर्शन भी करा देते हैं और निकलते हैं अपनी आगे यात्रा पर। तो चलो जी, बाकी आप देख सकते हो लक्की भाई, संजू, बाकी अपना भाई यहाँ पर मिला है भाई। तो भाई के साथ थोड़ा सा छोटा सा सीन भी हो गया भाई, आपका फ़ोन खराब हो गया है वो देखो। ये देखो मैं आपको झूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो 13 प्रो भाई भाई का पानी में जाके खराब हो गया। ये देखो हमारा बाबा भाई और साथ में हमारा बॉबी। तो बाकी के बंदे गए हैं लंगर खाने के लिए और लंगर खा के आते हैं, फिर हम लंगर खाने जाएंगे, फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं अपनी यात्रा पर, पैक वैक पैक करके सीधा। आप ना अपने साथ ये एक्सटेंशन बोर्ड भी लेके आना अगर यात्रा पर आ रहे हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कामयाब है। अब देखो हमने वहाँ से एक वायरिंग लगा रखी लंबी वायर की और यहाँ बैठे हुए अपने गद्दों पर और हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं देखो जी। तो ये बहुत बेस्ट बात होगी, आप अपने लिए लेके आ सकते हो भाई। तो ये कुछ हॉल वाला गेट था जहाँ से हम ठहरे हुए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी एक निवास स्थान है, गुरु नानक निवास। तो इधर भी आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आपको रूम वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं, तो आप रह सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपका स्नान गृह है, स्नान घर। और ये जो कैंटीन हमने आपको कल की वीडियो में दिखाई थी ये थी कुछ, और बाकी गुरुद्वारा साहब ये रहा। और गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल इसी साइड में ना यहाँ पर लंगर हॉल है। तो चलो चलते हैं लंगर खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर। अभी हम आए हैं दोबारा से गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये ऋषिकेश गुरुद्वारा साहब है और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ से ही हमारी एंट्री होगी। बाकी जैसा आपको मैंने बताया था कि अगर आप भी रूम वगैरह लेना चाहते हो गुरुद्वारे में, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के अपने रूम के लिए आधार कार्ड देके रूम ले सकते हो। बाकी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब ऋषिकेश। तो चलो चलते हैं दर्शन करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं लंगर हॉल और आप देख सकते हो यहाँ से अपनी लंगर हॉल की एंट्री और प्लेट्स वगैरह हमारे को यहाँ से मिलेंगे। तो चलो प्लेट्स ले लेते हैं, फिर चलते हैं लंगर हॉल में लंगर खाने। तो लंगर में दाल और रोटी मिली है, साथ में पानी, और बाकी चलो लंगर चख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाहर। लंगर खाने के बाद अभी हम आ रहे हैं चाय पीने। तो आप देख सकते हो चाय का लंगर भी, और ये कुछ आप देख रहे हो लंगर हॉल के बिल्कुल बैक साइड आपको चाय का लंगर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो ये बना हुआ है ना मशीन से आप मीठी चाय और फीकी चाय दोनों ले सकते हो। तो लक्की भाई, बॉबी भाई और ये मेरे कुछ चाय है, तो पी लेते हैं क्योंकि हम टी लवर है ना, तो यार चाय चाहिए चाहिए बॉडी को फिर से रिफ्रेश करने के लिए। लंगर खाने के बाद, गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के बाद फाइनली अभी हमने अपना बैग ले लिया है और अभी हम जा रहे सीधा अपने पार्किंग एरिया में, बाइक पर रखेंगे बैग और निकल पड़ेंगे आगे यात्रा पर। और चलो बैग पैक कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम अपनी सारी बाइकें ले आए हैं और अभी हमने अपने बैग्स भी रख लिए हैं अपनी बाइकों पर, आप देख सकते हो। तो अभी हमारा बैग पैक हो चुका है और ये अभी हमारी बाइक है, अभी हमने ना एक्यूम कार छुपाया था यहाँ पर, और ये हमारा कोई निशान साहब। तो ठीक है, बाकी सबकी बाइक्स यहाँ पर रेडी है, तो चलो चलते हैं आगे यात्रा पर। गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब जी के सामने आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये कुछ पेट्रोल पंप होने वाला है और आप यहाँ से अपने व्हीकल में ना पेट्रोल भरा सकते हो। और अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल फुल है तो पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अभी हम अपना हवा भरा रहे हैं बाइक के टायर में। तो हवा भराने के बाद सीधा चलते हैं आगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। सो दोस्तों, ऋषिकेश से करीब अभी हम 13 किलोमीटर आगे बढ़ के आ चुके हैं और अभी हमने पहला अपना स्टॉप लिया यानी हॉल्ट लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु का लंगर यानी भंडारा आपको खाने पीने के लिए मिलता है। और ये भारत पटियाला वाले हैं, आप देख सकते हो गुरु का लंगर लिखा हुआ है, श्री हेमकुंड साहब केदारनाथ बद्रीनाथ के रस्ते विच। तो आप यहाँ पर बैठ के आराम से अपना खाना पीना कर सकते हो और यही रास्ता जा रहा है सीधा ऋषिकेश। और ऋषिकेश से करीब 13 किलोमीटर आगे बढ़ते हो ना आपका गुरु का लंगर ये हॉल्ट आता है। और इसी के आगे ही आपका शिवपुरी है, बंजी जंपिंग के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो वहाँ पर भी। तो चलो चलते हैं आगे अपने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी के लिए। भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाड़ी भाई,
ओहो वहाँ से भागती हुई भाई यहाँ आ गई थी गाड़ी आराम से भाई सेफली। ओ ये देखो कितने सारे बंदों ने रोक रखा है भाई भाई सारे भाइयों का थैंक यू भाई, सब ने हेल्प करी है, बहुत 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 बढ़िया। अभी यार एक बड़ा मतलब एक्सीडेंट होने से बच गया भाई, आप देख सकते हो अभी सीधा यहाँ आता कितना बड़ा एक्सीडेंट होता। ओहो भाई इस भाई ने देख लिया ना। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल लकी तूने बचा ली भाई ये गाड़ी आज तो इससे पहले जो आपने अभी क्लिप देखी ना यार, गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। इसका रीजन ये था कि हैंड ब्रेक नहीं लगाई गई थी गाड़ी के अंदर, बंदा उतरा और चला गया लंगर खाने के लिए। लेकिन हमारे लकी भाई ने देख ली थी वो गाड़ी की आगे की तरफ बढ़ रही है और एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। तो वहाँ से भी गाड़ी आ रही थी और यहाँ से भी गाड़ी आ रही थी और वो बिल्कुल बीच के मतलब रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हो गई थी। तो ठीक है भाई, अगर आप गाड़ी से उतरते हो पहाड़ी रास्तों में हैंड ब्रेक जरूर लगाओ, ये आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं देवप्रयाग जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो वो एक नीचे नीचे मंदिर है और आप यहाँ पर देख सकते हो दो नदियों का एक संगम हो रहा है। ये जो नदी है ये है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ विशाल से आ रही है और ये जो नदी है आप भागीरथी इसको बोला जाता है, भागीरथी नदी है ये, और ये आ रही है गंगोत्री गोमुख से। और यहाँ से आप देख सकते हो दो नदियाँ एक साथ जैसे मिल रही हैं और यहीं से गंगा जी की शुरुआत होती है। ये दोनों जैसे नदियों का संगम होता है और यहीं से गंगा जी स्टार्ट होती हैं। तो देखो जी और दर्शन करो और बाकी इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलेगा चारों तरफ। और वो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ओके, एंड चारों तरफ का कुछ नज़ारा बाकी आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ना जल्दी से जल्दी ट्रैफिक लगता है, अगर आप अपने व्हीकल पर आ रहे हो ना थोड़ा आगे पीछे लगा देना जिससे कि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुक सको। बाकी आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराइए, वीडियोस बनाइए और वहाँ पर आप नीचे भी जा सकते हो। कुछ इस तरफ से आना होगा, इस तरफ से आते सीधा नीचे जाइए और स्नान भी करिए और दर्शन भी करिए मंदिर के। अभी हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर और श्रीनगर के पहले आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये देखो जी, ओए होए, और चारों तरफ देखोगे ना ये छोटे छोटे पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है यार। और उधर देखो पहाड़, और ये पानी ना इतना स्पीड में आ रहा है आपको वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्लो में दिख रहा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो कितना फास्ट, और वहाँ पर आप देख सकते हो कितना यार तेज़ झरना, तो बहुत ही बढ़िया। और अभी हम श्रीनगर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर बाद पहुँचने वाले हैं, मतलब 10 किलोमीटर बचा हमारा श्रीनगर, तो पहुँच के आपको मिलते हैं सीधा श्रीनगर गुरुद्वारा साहब। अभी हम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी श्रीनगर पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके का गेट होने वाला है और सामने ही यह है गुरुद्वारा साहब। और अभी हम जाने वाले हैं दर्शन करने, और जो हमारी बाइक्स है कुछ अभी हमने ना पार्क कर रखी है इस तरफ, और लक्की भाई आता हुआ अपनी चाबी भूल गया था, चाबी लेके आ रहा है, और चलो चलते हैं दर्शन करते हैं भाई। यहाँ से अभी हमारी एंट्री होगी लेकिन इससे पहले ना यहाँ पर आप फोटो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की उनके घोड़े के साथ, कितनी प्यारी ही लग रही है, ये देखिए बहुत ही प्यारी फोटो लग रही है। और चलो चलते हैं दर्शन करते हैं। तो श्रीनगर गुरुद्वारे से निकल चुके हैं कुछ अभी हम, और अभी आप देख सकते हो सनसेट होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है यार ये सूरज देवता, ये देखिए ओहो। और अभी अभी जा रहे हम यहाँ से नगरासु गुरुद्वारा साहब, तो चलो मिलते हैं आपको। और अभी कुछ मैं इस तरीके का लग रहा हूँ तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे बिकॉज अभी अंधेरा होने वाला है। और उससे पहले पहुँचते हैं, अभी हमारे सारे दोस्त आगे बढ़ चुके तो निकलते हैं भाई जल्दी से जल्दी। 5:30 बजे करीब हम निकले थे श्रीनगर से और धारी देवी मंदिर अभी अभी हमारे कुछ 2 या 3 किलोमीटर पीछे ही रहा है और अभी हम आगे बढ़ जा चुके हैं। और इस लोकेशन का नाम रहने वाला है कोतवाली श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ पर हम आपको ना एक लोकेशन दिखाना चाहेंगे, ये देखो ये अभी जो आप ये कुछ क्लोल करते हुए देख रहे हो ना, ये सारे लड़के ही हमारे ग्रुप के हैं। ये देखो कपड़े उतार के भाई साहब पूरे नहाने वहाने के लिए मस्त घुस गए हैं। हम हर बारी भाई इधर आते हैं नहाने के लिए और इस साल भी हम फाइनली आ चुके हैं लकी। ये हम ये करीब हम 20 से 25 किलोमीटर पहले से ढूंढते आ रहे लोकेशन। अभी हमारे से हमें भाई 3 बार कंफ्यूज नहीं, अमरीक भाई कहता कहता भाई नहीं वो वाली है, फिर हमने कहा ये वाली, फिर मैंने बोला अमरीक भाई ये वाली, कहता नहीं ये भी नहीं है, वो हमने पीछे छोड़ दिया है। और एक्चुअली हमें मिल गई भाई और फाइनली मिल गई। और अभी देखो सबको हमको छोड़ के जा चुके लेकिन अब हमारी बारी है, ये हमारे को लेट कर रहे ना, अब हम इनको ज्यादा लेट करेंगे। तो चलो चलते हैं और हम भी भाई नहा धो लेते हैं। तो अभी हमारे उत्तराखंड में भी भाई टैलेंटेड गाय है, ये देखो ये लड़की रील बनाते हुए, और ये देखो इसको देखो ओ भाई साहब ये क्या था ये ओ जट दिया हो गया ब्रेकअप पे भाई साहब फुल मजे ले आए जा रहे भाई, ये देखो ये ओ भाई गए फिर से आता हुआ, ये देखो
ओ भाई ये देखो, ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया। तो यार ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये छोटी मछली, और मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ मगरमच्छ। तो भाई चलो चलते हैं, अभी हम भी कपड़े उतारते हैं फिर चलते हैं यार, एंजॉय करते हैं, अब तो मेरे से भी रहा नहीं जा रहा भाई। चलो सो दोस्तों अभी ना हम नदी में नहा चुके हैं और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हम बस पानी में घुसे, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था ना, और अभी हम जूते ऊपर जाके पहनेंगे, कुछ इतना ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा। ये तो कुछ नहीं है लेकिन परसों हम असली ट्रैकिंग करने वाले हैं, यानी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की। तो ठीक है जलील से अपने जूते पहन लेते हैं, फिर पहुंचते सीधा नगरासू गुरुद्वारा साहिब, और कल निकलेंगे हम नगरासू से गोविंद घाट साहिब के लिए, और परसों निकलेंगे हम फिर गोविंद घाट से गोविंद धाम की ट्रैकिंग के लिए। तो बने रहो वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।